कमाल है, कहाँ है सब लोग और अंधेरा कितना है? मुबारक प्रेम, बहुत बहुत मुबारक हो साहब। आप प्रेम, ये छोटी सी पार्टी तुम्हारी नई नौकरी की खुशी में। नंदू, सुमित, नंदू प्रेम, तुम दोनों चलो, अच्छा है तुम दोनों से मिलने का चांस भी मिल गया। चलो भाई केक काटने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कुछ शो शराब हो जाए, कुछ गाना वाना हो जाए। हाँ? चलो, हाँ? हाँ? चलो 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 चलना। साक्षी, बहुत सही वक्त पे आई हो तुम। हाँ। मुंह मीठा करो, प्रेमला नौकरी में आली। आज का दिन भी कमाल का है ना। एक खुशखबरी देने आई हूँ और दूसरी खुशखबरी लेके जाऊंगी। कौन सी खुशखबरी? भाऊजी वही नहीं, मयंक और प्राप्ति की शादी की तारीख तय हो गई है। मेरा अगला शिकार है प्राप्ति। ओए, ही पत्रिका और ही मिठाई, सबको 10 दिन पहले आ जाना पड़ेगा। सुमति, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। किताबों में जो नियम लिखे होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं होते, और जिंदगी में उन्हें लागू करते वक्त उनमें थोड़ा फेर बदल, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती, क्योंकि जिंदगी और किताब में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। क्या समझते हो कि तुम्हारे साइन न करने से मिस्टर झुनझुनवाला का काम रुक जाएगा? नो मिस्टर गोविंद, नो। मैंने मिस्टर झुनझुनवाला के पेपर्स ऑलरेडी प्रोसेसिंग में डाल दिए। अब तुम चाहो या ना चाहो, मिस्टर झुनझुनवाला को 20 करोड़ का लोन मिलेगा। अगर ऐसा है सर तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं इस इलीगल ट्रेड के बारे में RBI को कंप्लेन करूं। बिल्कुल ठीक कह रहे थे मिस्टर झुनझुनवाला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जब तक गोविंद जैसे एम्प्लाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, इस बैंक में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ भी। दरअसल मिस्टर झुनझुनवाला तुम्हारी कंप्लेंट लेकर हमारे पास नहीं आए थे, बल्कि वो तो हमें ये बता रहे थे कि हमारे ऑफिस में कैसे ईमानदार और काबिल लोग हैं। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और इस इम्तिहान में तुम पास हो गए। अब तुम जा सकते हो।